नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सीके शर्मा टेक पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजली बिल का। स्मार्ट मीटर में आप कैसे चेक कर सकते हैं कि एक दिन में आपका कितना यूनिट उठा है, या आपका रिचार्ज जो आपने किया था वो कितना रिचार्ज अभी बचा हुआ है और कब रिचार्ज करना है, या कितना रुपया रिचार्ज माइनस में है। तो सारा कुछ इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर। उसके बाद आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद उसे ओपन कर लें। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर और कंज्यूमर नंबर बोलेगा देने के लिए, जो कि आपका बिजली का कनेक्शन से जुड़ा हुआ होगा, वो आप दे दें। उसके बाद लॉगिन हो जाएं। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर देख सकते हैं नाम शो हो रहा है, यहाँ पे करेंट बैलेंस जो अभी 242 रुपया है, और यहाँ पे बगल में रिचार्ज वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि लास्ट रिचार्ज जो हुआ था 826 रुपये का हुआ था। डेट भी दिया हुआ है कब रिचार्ज किया गया था, 10 जून को किया गया था। फिर यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है कंज्यूमर आईडी, और दूसरे का देखना है तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके आप दूसरे का भी कंज्यूमर आईडी देख करके आप चेक कर सकते हैं। कनेक्शन स्टेटस में देख सकते हैं कि अभी कनेक्टेड है, यानी कि अभी रिचार्ज है। जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देगा डिसकनेक्टेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं नीचे में कितना किलोवाट उठा है, लास्ट मंथ में कितना कंजम्पशन था, यानी कि पिछले महीना कितना खपत हुआ जून महीना में। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 92 यूनिट्स। और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है ना टुडे वीक अ मंथ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जून मंथ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं लिख दिया 92। फिर मई मंथ में देख सकते हैं तो मई के लास्ट मंथ में ये लगा था स्मार्ट मीटर, तो यहाँ लिखा हुआ है 9.82 यूनिट। फिर जुलाई का देख सकते हैं, यहाँ पे जुलाई पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं लिखा हुआ है 22.55 यूनिट। तो इस प्रकार से आप सारा इसका जानकारी देख सकते हैं। फिर डे कंजम्पशन कितना है वो भी दिया हुआ है। तो अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो रिचार्ज ऑप्शन पे क्लिक करके आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जितना भी पेमेंट देना होगा यहाँ पर आप अमाउंट सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पे क्लिक करके आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, कंज्यूमर नंबर और कंज्यूमर आईडी शो करेगा। इस तरह से आप पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।